आप जब दूसरी पाली में हैं तो आपको केवल एक ही चीज बोलनी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब सुनते जाना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको रुकना नहीं है, आप केवल हाथ जोड़ लीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि एक बार और बोलना है। आप ये नहीं बोलना एक बार और बता दीजिए, इतना बोले तो आप भूल जाएंगे आप, इसलिए रूल्स पहले सुन लीजिए अच्छे से। आपको केवल हाथ जोड़ना है, दोबारा क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसी बीच में आपको जवाब देना है, जवाब सही तो 10 पॉइंट आपने अपनी टीम के लिए जोड़े, और अगर जीके का क्वेश्चन का जवाब दिया तो 20 पॉइंट आपके कोटे में, आपके टीम के पाले में, और जिस टीम के सबसे ज्यादा नंबर होंगे उस टीम के पूरे 11 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, तालियों से स्वागत करें हम सभी दर्शकों का। समझ में आ गया क्या? किसी को डाउट पूछना हो तो पूछ लीजिए, आंसर नहीं तो आउट टीम से बाहर हो जाएगा। हेलो, और जो टीम विनर होगी उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट जिस खिलाड़ी की होगी उसको मैन ऑफ द मैच में दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ले माने लाइफलाइन ले रहा हूं तो ओम नमः शिवाय में बोलते-बोलते बीच में, हां फिर उसमें अगर आप लगते लेनी है ऑप्शन वाली लगते नहीं है तो आप केवल इशारे से बता सकते हैं ऑडियंस या क्वेश्चन चेंज। ऑडियंस बोलेंगे दो बची मसली बन टीम की तो है नहीं है, उसमें केवल क्वेश्चन वाले में आपको दो लाइफलाइन मिलेंगी, या तो ऑडियंस या क्वेश्चन चेंज। आप हमारी तरफ इशारा करेंगे तो क्वेश्चन चेंज, और ऑडियंस की तरफ इशारा करेंगे तो ऑडियंस, आपको ऑडियंस लाइफलाइन दे दी जाएगी। और बाई चांस अगर कुछ हुआ भी डाउट तो अंतिम निर्णय हमारा है, कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, मनोरंजन है, ज्ञान बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाइए और प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं। अंजू जी पूछ रहे हैं कुछ, हाँ तुरंत आया तुरंत जवाब, बस अपने टीम में वापस आ जाएंगे, जवाब दिया अपने टीम में वापस, फिर आपको हमने मैसेज देना थोड़ी बोलना है, तो अपने टीम में जब तक इनकी टीम में है, आप इनकी में है, आप इनकी में, तब तक तो आपको बोलना पड़ेगा। बराबर बराबर कर दीजिए जैसे खड़े होने के लिए मौका मिले आपकी टीम में, और एक खिलाड़ी जैसे आएगा उसको तुरंत जो आपके पास गलत दिया गया है सारी पर्ची उस तरफ से पुनः डालनी है, पुनः डालनी है, और फिर उसके बाद सारी पर्ची तुरंत बांटनी है तुरंत। सुन रहे दर्शा जी जरा ध्यान दीजिए, लास्ट वाला नियम सुन नहीं पाया, जैसे ही पहला खिलाड़ी ने आंसर दिया तुरंत सबकी पर्ची लेके कलश में डालनी है, या आपस में चेंज कर लेना, कलश नहीं डालता हूं तो आपस में चेंज कर लेना, जिससे किसी को नंबर किसी का याद ना रहे किसका नंबर कौन सा है, नंबर तुरंत बदलते रहेंगे। नहीं समझ में? हाँ, कि पांच नंबर आपका है तो आप ही का पांच नंबर है, वरना कैप्टन पांच ही का मिला हो जाए। नाम से नहीं बुलाया जाएगा आपको, दूसरी टीम के मेंबर जो कैप्टन है वो आपको आपके नंबर से बुलाएंगे, उन्होंने बोले नंबर 5, तो जिसके पास भी नंबर 5 की पर्ची है वो अभी आएंगे, तो ये हर एक जैसे 5 वाला गया उसने आंसर दिया वो वापस आया, उसके बाद आप लोग आपस में दोबारा पर्ची चेंज करेंगे, 5 नंबर फिर उसके पास नहीं होगा। जैसे ही पर्ची चेंज होगी तुरंत अपनी अपनी पर्ची खोल के दोबारा अपना नंबर देखिए अब मेरे पास कौन से नंबर की पर्ची है, और वो नंबर जब बोला जाए तुरंत खड़े हो जाएंगे।
ओके चलिए बसंत जी जल्दी खड़ी हुई जल्दी खड़ी हुई का सबसे पहले ओपनिंग कौन करेगा सबसे पहले कौन किसको बुलाएगा कोई जानकार को बना देते हैं पहले कौन बुलाते हैं आपको बुलाना है आप इनकी टीम में से सुनिए आप इनकी टीम में से 11 नंबर में से कोई भी नंबर बोल सकते हैं जो नंबर आप बोलेंगे वो नंबर वाला खिलाड़ी आपके पास आएगा समझ में आ गया नो डाउट चलिए माइक हमेशा हाथ में रखिएगा नंबर बोले कैप्टन ही बोलेगा नंबर माइक चालू कर दीजिएगा नंबर सेवन माइक को चालू करके बुलाइए तो रिकॉर्डिंग
दस नंबर सोलह से तैयार की भोजन को चौका कहते हैं। बताएं सोलह चीज कौन सी है। ओम नमः शिवाय, नौदा भक्ति और सात दाता। सही जवाब। डांगी गांव चिड़ियाघर चिड़ियाघर ओम नमः
गांव पर स्थित है, डागी गांव, चिड़ियाघर गांव पर स्थित है, बीच पॉइंट मिलेंगे, पंजाब, पंजाब, उड़ीसा, बिहार या जम्मू कश्मीर, इधर देखिए लाइटन लाइटन के लिए ऑडियंस में बोलिए, ऑडियंस लाइटन के लिए हमने ऑप्शन दिए थे, आप बोलते नहीं, ऑप्शन सुनिए, पंजाब, उड़ीसा, बिहार या जम्मू कश्मीर, डागी गांव चिड़ियाघर काम पर है, आप बोलते जाइएगा, क्वेश्चन चेंज आपको बोलेंगे,
रहे हैं, आपको बताना है सारनाथ के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? सारनाथ के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? दो, तीन, चार या पांच? सारनाथ के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं? दो, तीन, चार, पांच? तीन। गलत जवाब है। Thank you.
पोजीशन चेंज करके आपको दे रहे हैं। वे कौन थे जिन्हें हाथी के पैर की ऊंची पूजा गया? हाथी की पत्नी की पूजा गया आओ। ओम जी टाइम तो यहाँ पे मेरे पास अब बोल रहा हूँ लाइन में कितनी चलेगी पहले बताइए। कैप्टन को बोलने का अधिकार है, आप सबको नहीं है। आप बताइए कौन सी हो गई? दो हो गई, बहुत बढ़िया। अब बोलना मत बिल्कुल। हाँ आपकी तीन की दो हो गई, केवल 50-50 बची बस, वो भी जीके में मिलेगी बस, और कोई लाइन आपके पास नहीं है। ओके चलिए बुलाइए। नंबर 8, नंबर 2, एक नंबर से नहीं है, एक नंबर से नहीं है। अच्छा सब में चारित्री के कितने अंग होते हैं? सही जवाब। नंबर 3 इसके बाद चलिए आइए। जिन्होंने न्याय का पक्ष लिया और भाई का साथ भी नहीं दिया, ये कौन थे? गुरी सर। सही जवाब। बताइएगा कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? ऑप्शन दीजिए, भारत, जापान, चीन या लंदन। भारत बोलना है, बोलना है, बोलना है। भारत, जापान, चीन, लंदन। ऑप्शन बता दिए ना, भारत, जापान, चीन, लंदन। 50-50 इन्होंने लाइन ले ली, बोलिए आप तो होना। आपके लिए दो ऑप्शन बस केवल, या तो है जापान या है चीन। गलत जवाब। चीन तो इतना बड़ा राष्ट्र है। करवा चौथ का व्रत किस महीने में हिंदू महिला मनाती है? वैशाख, चैत्र, कार्तिक या आषाढ़? अरे दादा
भाई उमरू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय क्या तीर्थंकर के पंच कल्याणकों में विवाह कल्याणक होता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल सही जवाब बोलो नहीं सही जवाब जब आपकी का सरद वापस आ जाता है मध्यम भोग भूमि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है मध्यम मेरी लाइन में क्वेश्चन चेंज मध्यम भोग भूमि के मनुष्यों की आयु कितनी होती है तुम्हारे लिए चार ऑप्शन दे रहा हूँ अपनी तरफ से ओके एक पल दो पल तीन पल चार पल एक पल गलत जवाब बनारस में कितने जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था ऑप्शन एक दो तीन चार एक गलत जवाब मनुष्य में कौन सी कसाई की प्रधानता होती है आओ बैठ गया ओम नमः शिवाय बोल नहीं पाया आपको बजाया जा रहा है रुकी और गए जहाँ पद्मासन मुद्रा की सबसे बड़ी मूर्ति है गोपाचल सही जवाब
कान को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्य सिंतो, ओम नमः सिद्धेभ्य धर्म में, ओम नमः सिद्धेभ्य सिंतो का क्या अर्थ है? ओम नमः सिद्धेभ्य सिंतो धर्म में, ओम नमः सिद्धेभ्य सिंतो का क्या अर्थ है? ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य संसार का मार्ग, ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः आत्मा का मार्ग, ओम नमः सिद्धेभ्य ओम रास्ते का मार्ग, ओम नमः सिद्धेभ्य यजमान का मार्ग, ओम नमः लाइफलाइन, ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य आपके पास दो ऑप्शन, ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य आत्मा का मार्ग, ओम नमः या संसार का मार्ग? संसार का मार्ग। आओ खिलाड़ी है आपको एक दो तीन में से बुलाना है, आपको पांच में से बुलाना है, बुलाइए। नंबर फाइव किसने कौवे का घोड़ा जो कालांतर में भगवान महावीर बना, उसका नाम क्या था? किसने कौवे का मांस छोड़ा जो कालांतर में महावीर बना? कितने छोड़ा? अरे बोल इतना, किसने कौवे का मांस छोड़ा कालांतर में अभी बना? नहीं नहीं कुछ ऑप्शन नहीं, तीनों लाइफलाइन समाप्त, तीनों लाइफलाइन समाप्त हो चुकी है। किसने कौवे का मांस छोड़ा मामी बना? आउट, वो खुद कह रहा आउट। जो आओगे पीछे हो जाइए।
दिस आपको जवाब देना है जिन्ना का मकबरा पाकिस्तान के किस शहर में बना है लाहौर पेशावर कराची या इस्लामाबाद जवाब दे दीजिए लाहौर पेशावर पेशावर गलत जवाब ओम नमः सिद्धे भी 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 ओम नमः सिद्धे भी
ओम नमः सिद्धेवे 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 भाई कौन सा स्थान है ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे भाई कौन सा स्थान है ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे जल महल ओम जल महल ओम नमः सिद्धेवे शीश महल ओम नमः सिद्धेवे बने हुए ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे भाई कौन सा स्थान है ओम नमः सिद्धेवे जहां पर रंग महल ओम जल महल और शीश महल बने हुए ऑप्शन सुनिएगा जयपुर ओम नमः सिद्धेवे ओम दिल्ली ओम नमः सिद्धेवे ओम आगरा ओम नमः सिद्धेवे पिंजोरा ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे जयपुर दिल्ली आगरा पिंजोरा ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे जयपुर गलत जवाब मदिरा की उपमा किस कर्म के लिए दी गई है ओम नमः मोह कोई कर्म नहीं दी यहाँ गलत जवाब कर दे मोह तो कोई कर्म ही नहीं है तो केवल आठ ही होते हैं ओशन चेंज ओशन चेंज करेंगे मोह तो कोई कर्म ही नहीं है कोई बात नहीं जवाब सही जवाब राजा श्रेणी में समूह शरण में कितने प्रश्न किए थे 7000 सही जवाब Gracias.
जहाँ चंद्र प्रभु भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सोना गिर। सही जवाब। व्यसन कितने होते हैं? सात। चारुदत्त ने नमोकारम किसको सुनाया? चारुदत्त ने नमोकारम किसको सुनाया? सही। जिन्होंने घर में घुसे चोर को धन की गठरी उठाने में सही जवाब। उसको बोलते हैं कैप्टन फिलिप जो शुरू से खेल रहे हैं, अकेले अपने टीम को पूरा संभाल रहे हैं। जल्दी आइए। भरत चक्रवर्ती की जन्मतिथि कब है? ओम नमः सिद्धेभ्य चैत्र कृष्ण नवमी। सही जवाब। संकट की स्थिति में किसकी रक्षा करनी चाहिए? धर्म की। सही जवाब। और ये 20 नंबर के लिए जल्दी आइए।
भारतवर्ष का नाम भारत से पहले क्या था? देश का सर्वोत्तम राजनेता का पद मिलने पर आपका उद्देश्य क्या होगा? देश का सर्वोत्तम राजनेता का पद मिलने पर आपका उद्देश्य क्या होगा? वन सोचिएगा क्या करेंगे आप यदि आप देश के सबसे बड़े नेता बन गए तो? रक्षा करेंगे किसकी? अपनी किसकी? जिन धर्म की रक्षा करेंगे। गलत जवाब। जिन धर्म की प्रभावना करेंगे जो आंसर है वही जवाब देना पड़ा। जिन धर्म की प्रभावना करनी है रक्षा नहीं करनी है। जीतन को मैं तो पढ़ूंगा।